छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ रिवर आ जाए, क्योंकि कर्फ्यू में बाजार में सिर्फ 10 से 12 बजे तक ढील दी गई है। और जितना भी हजियन या पेट्रोल पंप के सामने खड़ा हो रहा है उन तो 10 से 12 ऊपर वाले बाजार को नीचे वाली साइड 204 मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, दोबारा कह रहा हूँ, 10 बजे से पहले कोई दुकान नहीं। बहुकुम डीएम साहब, उसका पालन करें। तीन को यात्रा को में 10 से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मिलेगी। और ब्राइ कर्म दो बजे तक आप अपना कारोबार अमल में ला सकते हो। और ब्राइ तमाम अजरातों में मौजूद अपील करूंगा, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना अपना कारोबार कर सकते हो। आय के मौके पर मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे कि मुझे अभी डीसी साहब और एसपी साहब दोनों बाज़ार में मिले थे, मैंने उनको कहा था कि आप हालात तो ठीक हैं यहाँ के, लेकिन लोगों की थोड़ी परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें। और इस रिलैक्सेशन के बाद 2 घंटे की रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं होती है, सो इसको बढ़ाया जाए थोड़ा सा, क्योंकि हालात ठीक हैं, लोग परेशान हैं। आप देखते हैं बाज़ार में कि अभी जो लोग गाँव से आए थे कुछ सौदा पत्थर लेने के लिए, वो कितने लोग परेशान हैं, अभी भाग रहे सभी। इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट भी और करूँगा कि जो सामान जिस हिसाब ने बहुत अच्छा किया है, तो सब्जी का सामान, दूसरा तीसरा जो ट्रक जो आते हैं, लेकिन जो चोर बाजारी मल्लों के अंदर में चलती है, जैसे टमाटर के भाव थे, बाकी सब्जी के भाव थे, उसको तो एक्सट्रीम पर ले गए थे ये लोग, उसको भी थोड़ा सा चेक किया जाए, क्योंकि उनके पास बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सी फोर्सेज होती है। एक आध फोर्सेज को लगा दें, CID वालों को लगा दें, कम से कम जो दुकानदार ऐसा करता है, जो भाव के बढ़ाज के लोगों को देता है, गरीब लोगों को लूटता है, उसको थोड़ा सा चेक किया जाए। कि हमारे यहाँ पुरअमन हालात हैं, यहाँ किसी किस्म के लोगों के अंदर जो है कोई किसी किस्म के हिचकिचाहट भी नहीं है,
लेकिन जो लोगों को घरों तक महदूद कर दिया गया, कर्फ्यू लगाकर लोगों को अंदर बंद कर दिया गया, ये एक जो है काबिल मजम्मत है। यहाँ के लोग पुरामन है, यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख भाईचारा जो हमेशा से कायम रहा है और हमेशा कायम। इस वक्त एक लूट घसीट का जो माहौल शुरू है, दुकानदारों ने सब्जी के अंदर टमाटर जो है वो बहुत महंगा है, और बहुत सारे आटे का जो बैग 10 kg का है वो 350-400 रुपये तक भी चोरी छुपे बिक रहा है। इसके ऊपर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से कहूंगा कि लोगों के साथ ये नाइंसाफी बंद की जाए, और जो दुकानदार चोरी छुपी इस तरीके के कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और लोगों को अमन रजौरी पुंछ के अंदर लोग जो है कभी भी ये लोग जो है पुरामन जीना चाहते हैं। यहाँ हमेशा से हिंदुस्तान का ही झंडा बुलंद रहा है, लेकिन